मैंने खुद जो चीज़ को फेस किया है, मैंने ऑलरेडी 4-4 यूट्यूब चैनल मोनेटाइज किए दोस्तों, तो जाकर के मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो फिलहाल बता दूँ कि आखिर वो कौन सी गलती है जो कि आप हमेशा अपने वीडियो पे करते हैं, और जो भी गलती आप करते हैं दोस्तों उस गलती को आपको मोनेटाइजेशन से पहले सुधारना पड़ेगा। अगर आप उस गलती को मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले सुधार देते हैं तब जाकर के आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है, अदरवाइज दोस्तों आपका यूट्यूब चैनल कभी भी यूट्यूब एग्री नहीं करेगा कि आप उसके YPP टर्म को ज्वाइन कर लो, आप उसके चैनल को मोनेटाइज कर लो, आप एडसेंस से पैसे कमा लो। तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आखिर आपको यूट्यूब वीडियो अपलोड करते टाइम कौन कौन सा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, और अगर आप अभी ध्यान में नहीं रखते तो बाद में आपको कब इस चीज़ को सही करना पड़ेगा। तो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो पे मैं आप सभी को क्लियरली बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रियल और जेन्युइन चीज़ बताता रहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपना YT स्टूडियो ओपन कर लिया है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अगर आप सभी को आर्न वाले सेक्शन पे जाकर के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बिकम अ पार्टनर, यानी कि अभी तक मैंने इस चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है। अगर स्क्रॉल करके दिखाऊं दोस्तों तो चैनल पे 4529 वॉच आवर कंप्लीट हो गया, यानी कि बस ओनली सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है और मैं अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जब हमारा सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, मैं यूट्यूब चैनल के लिए अप्लाई कर दूंगा मोनेटाइजेशन, तो दोस्तों हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, यूट्यूब इसको रिजेक्ट कर देगा। वो क्यों रिजेक्ट करेगा इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए मैं आप सभी को कंटेंट पे जाकर के दिखाता हूँ कि कंटेंट पे जाने के बाद आखिर यूट्यूब हमारे वीडियो को क्यों चैनल को रिजेक्ट करेगा। मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहले यूट्यूब क्या देखता है कि आपका मोस्ट व्यूज वीडियो, यानी कि आपके वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज जो गया है, सबसे पहले यूट्यूब आपके उस वीडियो को देखता है कि आखिर इसने जो वॉच टाइम है वो कहाँ से कंप्लीट किया। तो उस वीडियो पे आपको सब कुछ सही करना पड़ेगा, जैसे कि मोस्ट रिसेंट वीडियो हो गया और मोस्ट व्यूज वीडियो हो गया, यानी कि कल परसों जो मैंने अपलोड किया वो, और जो सबसे ज़्यादा व्यूज ला करके दिया वो, उस वीडियो को आपको सही करना है। कैसे सही करना है, क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। सबसे पहले शॉर्ट पे जाएंगे, मोस्ट व्यू पे जाएंगे, ठीक ना। मोस्ट व्यू पे जाने के बाद दोस्तों मुझे मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले इन चीज़ का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते कि 1,00,000 व्यूज हमारा इस वीडियो पे आया, 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद। अभी मैं इस वीडियो पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर से मैंने इसमें क्लिकबेट किया। क्लिकबेट क्या किया कि Vivo T2X 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद हो गया, मैंने इसमें ये बोला, थंबनेल में मैंने ये लगाया। लेकिन अगर आप जो थंबनेल लगाते हो अगर सेम चीज़ आप वीडियो में नहीं बोलते हो, नहीं दिखाते दोस्तों, तो ये आपका मिसलीडिंग टाइटल हो जाता है, मिसलीडिंग मेटा डेटा हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आखिर जो चीज़ मैंने बोला है ना वो चीज़ मैंने दिखाया भी है। मैंने बोला कि Vivo T2X के चक्कर में पैसा बर्बाद, मैंने वीडियो में बताया कि भाई ऑलरेडी मैंने 4G फोन लिया था, इस वजह से मैं जो है मेरा पैसा बर्बाद हो गया इस फोन को लेने में 5G के चक्कर में, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक चल जाएगा। अभी आगे देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखा टाइटल पे, 5G के चक्कर में पैसा बर्बाद, Vivo T2X 5G अनबॉक्सिंग, मैंने अनबॉक्सिंग किया है, रिव्यू किया है, मिड रेंज 5G फोन के बारे में बताया और बजट 5G फोन के बारे में बताया, ठीक है। यहां तक YouTube हमारा गलती नहीं काट सकता, यानी कि मिसलीडिंग मेटा डेटा, मिसलीडिंग टाइटल से मैं बच गया। अभी एक और मिसलीडिंग मेटा डेटा क्या आता है यहां पे, डिस्क्रिप्शन। चलिए डिस्क्रिप्शन पे जाता हूं। डिस्क्रिप्शन पे जाने के बाद दोस्तों यहीं पे आप जो है वो आपका YouTube चैनल दिक्कत में आ जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा। सबसे पहले समझिए कि आपको अपने YouTube चैनल पर पंचुएशन मार्क नहीं लगाना है, यानी कि पंचुएशन मार्क मैंने क्या लगा दिया, Vivo T2X 5G के बाद एक यहाँ पे कॉमा डाल दिया, नीचे कॉमा डाल दिया, नीचे कॉमा डाल दिया, ये हो गया पंचुएशन मार्क। इसको आपको नहीं लगाना है, इसको नहीं लगाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हैशटैग जो है वो 15 से ज़्यादा फिल नहीं करना है। मैंने इसमें हैशटैग लगाया ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हैशटैग लगाते तो 15 से ज़्यादा हैशटैग नहीं लगाएंगे। और आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ डालेंगे ना जो चीज़ आपका वीडियो से रिलेटेड है, आपकी अदर चीज़ आप नहीं डाल सकते। तो देख सकते कि एयरटेल 5G अनलिमिटेड था, मैंने इस चीज को डाला है, तो मैं इसमें से कुछ कुछ छाट छाट के करूंगा और दोस्तों मैं मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले इन सब चीज को हटा दूंगा, काट दूंगा, तो क्या होगा कि हमारा जो है वो कटेगा नहीं। अभी बाकी बात करते हैं दोस्तों टैग के बारे में। तो टैग में जब मैं ओपन करता तो अपना टैग हमारा मैं दिखा देता हूं कि देख सकते कि Vivo T2X 5G Vivo, मतलब मैंने सब उसी चीज के बारे में डाला है, तो हमारा उतना ज्यादा दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी फेस किया हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर देते हैं जो वीडियो से रिलेटेड नहीं है, आप उस तरीके को चीज को डालते हैं, तो दोस्तों आपका YouTube चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं किया जाएगा, आपका YouTube चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये तो हो गया मोस्ट व्यू वाला। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंटेंट पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद मोस्ट रिसेंट वीडियो, यानी कि जो आपने रिसेंटली अपलोड किया है, 3 से 4 दिन हो रहा है उसको आपने अपलोड किया, तो उस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, उसमें भी ये काम सही कर लेंगे तो मिसलीडिंग डेटा, मिसलीडिंग टाइटल ये सब नहीं आएगा और आपका यूट्यूब चैनल आसानी से जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं तो शुरू से अगर आप इस तरीके से ध्यान देते ना तो आपको आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होता, एक बार में आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों मोनेटाइजेशन से रिलेटेड अभी मैं आप सभी को बहुत वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि अभी मैं चैनल को मोनेटाइज करने वाला हूं और आपके सामने दिखाऊंगा कि चैनल कब मोनेटाइज हुआ, नहीं हुआ, होता है भी कि नहीं होता है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो पे दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल पे नए तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अपने चैनल के थ्रू मैं आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रियल और जेन्युइन चीज बताता रहता हूं।